हेलो फ्रेंड, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने एक धांसू प्लान लॉन्च किया है, जिसमें रिलायंस जियो ने धन धना ऑफर ख़त्म होने के बाद अब ग्राहकों के लिए नए प्लान का ऐलान किया है। यह ऑफर प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों ग्राहकों के लिए अलग अलग है, जहाँ जियो का प्रीपेड प्लान ₹19 से शुरू होकर ₹999 तक है। वहीं जियो पोस्ट पेड प्लान ₹309 से शुरू होकर ₹999 तक है। लेकिन इस बार जियो इतना आसानी से ग्राहकों को नहीं लुभा पाएगा, क्योंकि एयरटेल ने जियो को काउंटर करते हुए नए मार्केट में अपने नए प्लान लॉन्च कर दिए हैं, वो भी जियो की कीमत में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत ग्राहक को 799 में प्रतिदिन 32 GB 799 में प्रतिदिन GB 32 4G 3G डाटा मिलेगा। साथ ही किसी भी नेटवर्क पर असीमित लोकल और STD कॉल फ्री रहेगी। यह प्लान 28 दिनों के लिए वैध रहेगा। एयरटेल ने इस प्लान के जरिए जियो ग्राहकों को निशाना साधा है, क्योंकि रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को ₹509 में प्रतिदिन 2 GB 4G डाटा यूज़ करने के लिए देता है। ऐसे में एयरटेल का 3 GB रोज़ डाटा देना ऑफर जियो ग्राहकों को ज़रूर लुभाएगा। इसके अलावा एयरटेल ने अपने ग्राहकों को जोड़ने के लिए इंसेंटिव देने का ऐलान भी किया है। यह इंसेंटिव के जरिए ग्राहकों को रिचार्ज करने पर कैशबैक भी मिल सकता है। वहीं रिलायंस जियो ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए कुछ दिन पहले फ्री में 4G फ़ोन देने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को ₹1500 जमा करने को होंगे, बदले में 4G फ़ोन दिया जाएगा। लेकिन 3 साल की अवधि के पूरा होने के बाद जियो यह पैसा अपने ग्राहकों को लौटाएगा। इस तरह फ़ोन एक तरह से ग्राहकों को फ्री में मिलेगा।